कोविड की वजह से हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है और इस वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। अगर आपको साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, हमारा ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है, इन सब चीजों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन ले लो, फ्री है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो एंड में इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपकी, मेरी, आपकी बहन की, आपके पापा की, आपके फ्रेंड्स की, हम सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है, हम सबके सोचने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन साइकोलॉजी के अंदर एक ह्यूमन बींग की जो पर्सनालिटी है उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक्सट्रोवर्जन, अग्रीएबलनेस, ओपननेस, कंसेंशियसनेस, सही बोला ना मैंने, कंसेंशियसनेस और न्यूरोटिसिज्म। लेकिन हमको ये 5 तरह की पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वी कैन जस्ट कैरेक्टराइज आवरसेल्फ्स इन बेसिकली 3 मेजर पर्सनालिटी टाइप्स। सबसे पहले होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स, उसके बाद होते हैं इंट्रोवर्ट्स, उसके बाद होते हैं एम्बिवर्ट्स। तो एक एक करके तीनों को समझते हैं और देखते हैं कि 3 तरह के ये जो लोग हैं इनके ऊपर पोस्ट पैंडेमिक की जो हालत है वो कैसे इम्पैक्ट डालेगी इनकी साइकोलॉजी के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में। देखो, एक्सट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जिनको सोशलाइज होना बहुत पसंद है, जिनको बाहर जाना बहुत पसंद है, जिनको घूमना फिरना बहुत पसंद है। लेकिन कोविड की वजह से इन लोगों को घर में रहना पड़ा और अब जब कोविड ऑलमोस्ट हमें ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैं भी देख रहा हूँ न्यूज़ में, सिचुएशंस काफ़ी ठीक हो चुकी है इंडिया की और ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स की, तो अब ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि इनको बाहर जाने को मिलेगा। न्यू कोविड गाइडलाइंस वर द बिगेस्ट चैलेंज फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल। अ स्टडी वॉज पब्लिश इन जर्नल अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, और इस स्टडी में ये देखा गया कि जितने भी लोग एक्सट्रोवर्ट थे उन्होंने ही सबसे ज़्यादा दंगा मचाया, यानी कि उन्होंने बींग इन शेल्टर वाली जो सिचुएशन थी कि घर में रहो, बाहर मत निकलो, उनको फॉलो नहीं किया। और आपने ये इंडिया में देखा ही होगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एक्सट्रोवर्ट्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन एक्सट्रोवर्ट लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोवर्ट्स। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंट्रोवर्ट्स को लेके या उसकी डेफिनेशन को लेके बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे नोशन बने हुए हैं कि इंट्रोवर्ट्स किसी से बात करना पसंद नहीं करते, इंट्रोवर्ट्स घर से निकलना पसंद नहीं करते। इट्स नॉट लाइक दैट। इंट्रोवर्ट्स जस्ट एक वो लोग होते हैं जो अपने आप को रिचार्ज करते हैं अकेले में रह के, और एक्सट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जिनको एनर्जी मिलती है लोगों से मिलके बाहर जाके। अब ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि वापस से नॉर्मल लाइफ में कैसे जाएं। जो पीस, जो स्लोअर पेस ऑफ लाइफ इन्होंने अचीव किया था अपनी लाइफ में, एक शांति, एक थोड़ा सा आलस, एक थोड़ा सा अपने में रहना, एक अपनी दुनिया बना ली थी, अब उसको छोड़ के ये वापस बाहर की दुनिया में बैक टू नॉर्मल लाइफ कैसे जाएंगे और कैसे वापस एडजस्ट करेंगे। अब बात करते हैं एम्बिवर्ट्स की। देखो, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इमेजिन करो, एक तरफ कंप्लीटली एक्सट्रोवर्ट्स, एक तरफ कंप्लीटली इंट्रोवर्ट्स, और बीच में एम्बिवर्ट्स, यानी कि ऐसे लोगों के अंदर दोनों तरह की क्वालिटीज होती हैं, एक्सट्रोवर्जन भी होता है और इंट्रोवर्जन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये लोग बाहर जाना भी पसंद करते हैं, मूवीज देखना भी पसंद करते हैं, लोगों के साथ सोशलाइज होना भी पसंद करते हैं, और दूसरी तरफ ये लोग घर पे बैठ के मूवी देखना भी पसंद करते हैं, बुक्स पढ़ना भी पसंद करते हैं, फोन पे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे अकेले बात करना भी पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मी, आई एम एन एम्बिवर्ट। यस, नो मैटर वॉट आपकी पर्सनैलिटी क्या है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो यू आर प्रोबेबली मिसिंग। विजिटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, ट्रैवल करना, फ्रेंड्स के घर जाना, पार्टी करना, मूवीज देखना, I'm missing a lot. Movies! और स्कूल जाना। आई थिंक स्कूल जाना तो किसी को पसंद नहीं होगा। कोई बच्चा देख रहा है तो बताओ, स्कूल जाना पसंद है तुम्हें? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप क्या क्या मिस कर रहे हो और क्या क्या आप करने वाले हो। What are your plans? Let's talk about some serious things. अब कुछ चीज़ें हैं जो कि लोगों के अंदर एक फियर ऑफ इलनेस लेके आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब उनको लग सकता है कि अब हम मार्केट प्लेसेस पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, सोशल सिचुएशंस में जा रहे हैं, हमको कहीं दोबारा से कोविड ना हो जाए, दोबारा से हम पॉजिटिव ना हो जाएं। दे कैन फील एंग्शियस ऑफ बींग रीअकस्टम टू सोसाइटी, मतलब दुनिया में, लोगों में वापस जाने में उनको थोड़ा सा एंग्जाइटी फील हो सकता है, वापस से लोगों के बीच में घुसना, बात करना, सोशलाइज होना। और एक बात और है, socializing is not a gift by birth, socializing is a skill that you have to practice. अब वो जो practice है वो छूट चुकी है, हम
काफ़ी टाइम पहले तक घर से बाहर निकल रहे थे, आराम से सोशलाइज हो रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब जब कोविड की सिचुएशन आई, हमें घर में रहना पड़ा, तो हमारी वो प्रैक्टिस छूट गई। अब वो दोबारा से स्टार्ट होगा, तो दोबारा से वो सब करने में थोड़ा सा एंग्शियस फील हो सकता है, लोगों के बीच में जाना थोड़ा सा हमको प्रॉब्लमैटिक फील हो सकता है। जो पॉजिटिव चेंजेस हमारे अंदर आए थे पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान, उसको खोने का लोगों को डर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी ने योगा स्टार्ट किया था, किसी ने मेडिटेशन स्टार्ट करी थी, किसी ने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, किसी ने खुद को एनालिसिस करके उन्होंने कुछ बुरी चीज़ों को बाहर निकाला था, अब उनको इस चीज़ का डर लग रहा होगा कि यार अब हम बाहर जा रहे हैं, वापस से ऑफिस जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो हमारे ये जो पॉजिटिव चेंजेस हमारे अंदर आए थे, ये कहीं वापस से गायब ना हो जाए। अब पूरे सिनेरियो को हम अच्छे से समझ चुके हैं कि कितने तरह के लोग हैं, किन किन को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं। बट नाउ लेट्स सी कि साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट इस सिचुएशन से बाहर आने के क्या क्या तरीके बता रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, और ये मेरा फेवरेट है, टॉक टू अदर पीपल अबाउट पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन। जैसे आपने देखा है ना कि क्लास के अंदर अगर एक स्टूडेंट बाहर खड़ा रहता है पनिशमेंट में, तो उसको बहुत बुरा लगता है, उसको ऑड वन आउट फील होता है। लेकिन अगर उसके साथ उसका दोस्त खड़ा हो जाए या पूरी क्लास खड़ी हो जाए, तो उसको लगता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, हम सब इस सिचुएशन में हैं, तो उसको थोड़ा सा सेफ फील होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली मेंबर से इस पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में बात करोगे, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आपको लगेगा कि मैं ही अकेला नहीं हूँ, या मैं ही अकेली नहीं हूँ जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। ऑलमोस्ट सबके साथ दुनिया में यही प्रॉब्लम है, सब यही पोस्ट पैंडेमिक एंग्जाइटी फील कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। तो इससे आपको थोड़ा सा सेफ फील होगा, सिक्योर फील होगा, और आपको आसानी होगी बाहर की सिचुएशन को वापस से अडाप्ट करने में। यू कैन मेक प्लान्स विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप प्लान बनाइए कि अच्छा, आप इतने टाइम में हम यहाँ घूमने चलेंगे, वहाँ घूमने चलेंगे, ऐसे प्लान करते हैं, वैसे प्लान करते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि आपके जो ब्रेन के पैटर्न्स हैं वो वापस से रीडिज़ाइन हो जाएंगे, और वापस से एक मैसेज मिलेगा कि ठीक है, सिचुएशन वापस से ठीक हो रही है, वापस से मूवी देखने जाएंगे, वापस से घूमेंगे, वापस से फिरेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन को फेस करने का, सीरियसली। नेक्स्ट इज गो स्लो। गो स्लो का मतलब, जो भी चीज कर रहे हो बहुत धीरे धीरे करो। ये नहीं कि एकदम से पार्टी में चले गए, ये नहीं कि एकदम से बहुत बड़ी गैदरिंग में चले गए, एक साथ अपने आप को पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया लोगों के सामने। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, धीरे धीरे घूमो, धीरे धीरे लोगों से मिलो, आराम आराम से जो भी चीज करनी है, नहीं तो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर बहुत बड़े लेवल पर इफेक्ट हो सकता है इससे। साइकोलॉजिस्ट ने यह कहा है कि अगर आप एक ही बारी में बहुत सारे लोगों के सामने जाओगे ना, तो आपको सोशल प्रेशर और सोशल एंग्जाइटी फील हो सकती है, क्योंकि आपके ब्रेन के पैटर्न अभी वैसे नहीं बने हुए, उनको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसको धीरे धीरे होने दो ना। मुझे लगता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने अपनी साइकोलॉजी को समझ लिया, अपने ब्रेन को समझ लिया, अपने माइंड को समझ लिया कि हम जो भी एक्शन लेते हैं क्यों लेते हैं, हमारी लाइफ में जो भी हमारी आदतें होती हैं वो क्यों होती हैं, तो हमने पूरे मैनकाइंड के सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया, हमने पूरे मैनकाइंड की साइकोलॉजी को समझ लिया। इजंट इट इंटरेस्टिंग? तो उसके लिए आपको मोटी मोटी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी, साइकोलॉजी, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं हूँ, आई विल बी मेकिंग वीडियोस ऑन दीज इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्री का सब्सक्रिप्शन है, जाओ जाके सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑल कर देना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। उसी के साथ साथ यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहीं पे इसी वक्त स्क्रीन के सामने दिख जाएगा, वहां पे जाके मुझे फॉलो करो। साइकोलॉजी से रिलेटेड, ह्यूमन माइंड से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीजें वहां पे डेली शेयर करता हूँ, रील्स बनाता हूँ, पोस्ट डालता हूँ, तो जस्ट चेक आउट माई इंस्टाग्राम। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, टिल देन बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए।